नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में बंपर भर्तियां होने वाली हैं। सूबे में डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां दोगुने पद पर होंगी। सूबे के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने इसके आदेश भी दिए हैं। प्राइम टीवी से खास बातचीत में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि भर्ती की सभी प्रक्रियाएं बहुत जल्द पूरी कर ली जाएंगी। तो आइए सुनते हैं डिप्टी सीएम ने और क्या कुछ कहा। साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने अभी जो है मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी बंपर भर्तियां निकाली है, काफ़ी समय बाद। हाँ, करीब 59,000 से अधिक भर्तियां मेडिकल कॉलेजों में और जो हमारे विभिन्न अस्पताल हैं उनमें होंगी, क्यों हमने लगभग पोस्ट दुगने कर दिए हैं। जब हमने मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या में दोगुनी वृद्धि की है, चाहे अंडर ग्रेजुएशन हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, या जो हमारे पास पैरामेडिकल और नर्सिंग में, तो हमें इतना स्टाफ भी चाहिए और हमारे पास मरीजों की सेवा करने के लिए भी पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए। तो हमने लगभग सीटें सभी की दोगुनी कर दी। फिर क्या उम्मीद है, कब तक ये भर्तियाँ पूरी कर ली? अभी शीघ्र प्रक्रिया हमने अध्याचन भेज दिया है लोक सेवा आयोग को और जो विभिन्न एजेंसियाँ हैं इस संबंध में काम कर। मैनपुरी में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सपा और भाजपा दोनों ही मैनपुरी की इस जंग को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव पर प्राइम टीवी के संवाददाता विवेक शाही से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि मैनपुरी में कमल खिलना तय है। अखिलेश यादव को हार दिख रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं डिप्टी सीएम ने और क्या कुछ कहा। मैनपुरी बाय इलेक्शन का चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसके बाद वोटिंग होगी। मैनपुरी में और रामपुर में, खतौली में, तीनों जगह बीजेपी जीत रही है, कमल खिल रहा है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था, केशव जी ने भी, आप देखिए, मैं मानता हूं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी सरकार के खिलाफ, इसलिए वो व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुचिता के साथ सबको साथ लेकर चलती है। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, 35 वर्षों के बाद दोबारा आशीर्वाद जनता ने दिया है। हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये उनकी खिसियाहट और खेज का परिणाम है। क्या ये उपचुनाव परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का, आप कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को आगे मान करके, राष्ट्र को प्रथम मान करके काम करती है और हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जी, जिससे हमने बातचीत में सभी विषयों पे पूछा, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में बंपर भर्तियां हो या फिर मैनपुरी का जो उपचुनाव हो। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। अब तक के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।